दोस्तों नमस्कार, केपीटी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीडीपी बाल विकास शिक्षा संस्था का 30 क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे जो कि सीटेट प्रोजेक्ट दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। किसने कहा है बाल अवस्था वह समय है जब व्यक्ति की आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ए स्ट्रंग ने, बी ए कोलसरिक ने, सी ए ई किर्क पैट्रिक ने, यह इसका नाम किल पैट्रिक है, डी ए ब्लेयर जॉन्स व सस्पेंशन ने। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जा रही है, जैसे कि क्वेश्चन एक बार और देखेंगे। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ये शब्द किसने कहे या ये कथन किसने दिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करती है, यह कथन या शब्द कहे गए हैं ब्लेयर जॉन्स एवं सिस्वंसन के द्वारा कहे गए हैं। तो आंसर इज करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है। ए है किशोरावस्था को, बी है बाल्यावस्था को, सी है प्रौढ़ावस्था को, डी है शैशवावस्था को। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है। तो इसको और बात करेंगे, जिसकी जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैशवावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकसित या विकास अति तीव्र गति से होता है। ए प्रथम दो वर्षों में, बी प्रथम तीन वर्षों में, सी प्रथम चार वर्षों में, डी प्रथम पांच वर्षों में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शैशवावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं, शैशवावस्था में जो शिशु का जो विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वो अति तीव्र गति से होता है। वह है कि प्रथम तीन वर्षों में होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाए यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रयासों से होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चित पर पहुंचना संभव होता है। ए है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, बी है प्रत्यात्मक चिंतन, सी है काल्पनिक चिंतन, डी है तार्किक चिंतन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त किया या संभव तक पहुंचा जा सकता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्रत्यात्मक चिंतन के द्वारा हम पूर्व निर्मित प्रत्ययों से और उनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चित पर पहुंचना संभव होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी, टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है। ए है मात्रात्मक, बी है गुणात्मक, सी है ए तथा बी दोनों ही, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत जो परिवर्तन आता है वह है मात्रात्मक और गुणात्मक। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों ही। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें साथ ही साथ में, शेयर करते रहें साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, यदि किस आपकी कक्षा के कुछ छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं तो आप क्या करेंगे। ए उन्हें भाषण देंगे, बी है उन्हें दंड देंगे, सी है उनकी गलती बताएंगे, डी है उनके असामाजिक व्यवहार का कारण पता करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं या करते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो यहाँ पे कि अगर आप टीचर हैं और आपकी कक्षा में ऐसे कुछ छात्र हैं जो कि असामाजिक व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उनके असामाजिक व्यवहार का कारण पता लगाने का कोशिश करेंगे, कारण पता करेंगे। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा डी। क्वेश्चन देखेंगे, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है यह कथन है। ए है स्किनर का, बी है वॉटसन का, सी है वुडवर्थ का, डी है प्याजे का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का
शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो कथन पूछा गया, कथन को बताना है कि कथन किसने दिया है, तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा, यह कथन व्हाट्सएप के माध्यम से दिया गया है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला ऑप्शन देखेंगे, समाजीकरण प्रक्रिया की प्रारंभ होने की अवस्था है ए बाल्यावस्था, बी ए शैशवावस्था, डी ए माफ कीजिए सी ए किशोरावस्था, डी ए प्रौढ़अवस्था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो कि प्रारंभ होती है वह किस अवस्था से होती है, ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया है या समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो शैशवावस्था से आरंभ हो जाती है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस कार्यक्रम को अपनाया गया है? ए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बी ए शैक्षिक निर्देशन, सी ए बुनियादी शिक्षा, डी ए कारण भाव। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस कार्यक्रम को अपनाया गया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो कि ब्लैक बोर्ड या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को यह कार्यक्रम को अपनाया गया था, तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी विधि छात्रों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद होगी? ए भाषण, बी ए प्रश्नोत्तर, सी ए वार्तालाप, डी ए करके सीखना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि है जो छात्रों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद होगी या सबसे उत्तम होगी, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं करके सीखना सबसे अच्छी विधि होगी क्योंकि इसमें छात्र स्वयं करके सीखेंगे, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास उत्पाद है ए अधिगम का, बी ए परिपक्वता का, सी ए अभ्यास का, डी ए व बी दोनों का। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विकास किसका उत्पाद है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि अभी बात करेंगे विकास परिपक्वता का उत्पाद है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी। क्वेश्चन देखेंगे, स्प्रेमैन के अनुसार कौन सी बुद्धि योग्यता सभी व्यक्तियों में पाई जाती है? ए सामान्य योग्यता, बी ए विशिष्ट योग्यता, सी ए दोनों, डी ए तर्क योग्यता। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्प्रेमैन के अनुसार कौन सी बुद्धि है जो कि कौन सी बुद्धि की योग्यता सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं स्प्रेमैन के द्वारा सामान्य योग्यता सभी प्रकार की व्यक्तियों में पाई जाती है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम स्थानांतरण बुद्धि के विकास के साथ ए घटता है, बी ए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सी ए बढ़ता है, डी ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिगम स्थानांतरण बुद्धि के विकास के साथ किस प्रकार की व्यवहार करता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे हम बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण बुद्धि के विकास के साथ बढ़ता है क्योंकि अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखने से क्या है किसी भी छात्र या बच्चे की या बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है और उसे क्या उसकी बुद्धि का विकास क्या बढ़ता है, तो आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के समाजीकरण में विद्यालय का कौन सा पक्ष विशेष प्रभावी होता है? ए अनुकूलन पर्यावरण, बी ए पाठशाला उपकरण, सी ए पाठशाला भवन, डी ए खेलकूद की सुविधा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालक के समाजीकरण में विद्यालय का कौन सा पक्ष है जो कि विशेष प्रभावी होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं बालक के समाजीकरण की, यह समाजीकरण में विद्यालय का जो भाग होता है वह है कि अनुकूलन पर्यावरण होता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे के अनुकूलित चीजें होंगी तो बच्चा वहां पे अच्छी तरह समाजीकरण प्रक्रिया कर पाएगा, जैसे कि खेलकूद का होना, उसके अकॉर्डिंग पाठ्यचर्या का होना, पाठ जैसे कि उसके सुविधा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। काफी बच्चे डी पे जाएंगे मगर डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अनुकूलन यहाँ पे दे दिया गया ऑप्शन में ए के अकॉर्डिंग, तो हमारा ए कंप्लीटली
खेलकूद की सुविधा को भी यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है, करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पे ए अनुकूलन पर्यावरण। अगला ऑप्शन देखेंगे, टीएटी परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है, ए रुचि, बी ए व्यक्तित्व, सी ए बुद्धि, डी ए उपलब्धि। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि टीएटी परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करती है टीएटी परीक्षण के माध्यम से व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा बी। अगला ऑप्शन देखेंगे, यदि आप कक्षा में सफल शिक्षण कराना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि ए छात्रों को व्यस्त रखें, बी ए श्याम पट्ट का अधिकाधिक उपयोग करें, सी ए विषय वस्तु की अच्छी तैयारी करें, डी ए अच्छा भाषण दें। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि यदि आप कक्षा में सफल परीक्षण या शिक्षण करना चाह रहे हैं, माफ कीजिए सफल शिक्षण करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगर आप टीचर हैं और कक्षा में पढ़ाते हैं तो आपको सफल या अच्छा शिक्षण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर विषय वस्तु की अच्छी तैयारी करें जिससे कि आप कक्षा में सफल शिक्षण करा पाएंगे, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा गया है, ए तीन, बी ए चार, सी ए पांच, डी ए छह। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि है या बुद्धि के सिद्धांतों में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा गया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं गिलफोर्ड के माध्यम से, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार संक्रियाओं को जो कि पांच भागों में बांटा गया है, तो आंसर करेक्ट होगा यहां पे हमारा सी। अगला ऑप्शन देखेंगे, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है, ए सीखने वाले छात्र की तत्परता पर, बी ए शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सी ए सीखने वाले की प्रेरणाओं पर, डी ए सीखने की परिस्थिति तथा वातावरण पर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता किस पर निर्भर करती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करती है कि सीखने वाले छात्रों की तत्परता पर आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण में अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है, तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा ए, क्योंकि यहाँ पे छात्र अगर इंटरेस्टेड होंगे या सीखने के लिए तत्पर होंगे तो जल्दी चीजें सीख जाएंगे, तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अगला ऑप्शन देखेंगे, सबसे अच्छा अधिगम हुआ है जो कि ए एक ज्ञानी अध्यापक द्वारा दिया जाए, बी ए छात्र स्वयं प्राप्त करें, सी ए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा दिया जाए, डी ए उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि सबसे अच्छा अधिगम हुआ है जो कि, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा कि सबसे अच्छा अधिगम कौन सा हुआ, यह इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो जैसे बात करते हैं कि एक ज्ञानी अध्यापक द्वारा दिया जाए, ज्ञानी अध्यापक का मतलब है कि यहाँ पे उसे अपनी विषय वस्तु का अच्छी तरह से ज्ञान हो और स्वयं छात्र इसे प्राप्त करें और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा दिया जाए, तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, डिसलेक्सिया क्या है, ए है संवेदी अक्षमता, बी है सामाजिक अक्षमता, सी है अधिगम अक्षमता, डी है शारीरिक अक्षमता। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया किस प्रकार का चीज है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे बात करते हैं डिसलेक्सिया है जो कि अधिगम अक्षमता होती है या सीखने की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है, जो बच्चे सीखने में पिछड़ जाते हैं या सीख नहीं पाते हैं तो उनके अंदर जो अयोग्यता होती है वो डिसलेक्सिया पाई जाती है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, मनोविज्ञान का अर्थ है, क्वेश्चन पूछा गया मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, ए मन का अध्ययन, बी ए आत्मा का अध्ययन, सी ए चेतना का अध्ययन, डी ए व्यवहार का अध्ययन। तो जैसे क्वेश्चन पूछा कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यह इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मनोविज्ञान का मतलब है यह अर्थ होता है कि आत्मा का अध्ययन, तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अचेतना के सिद्धांत का प्रतिपादक है ए एडलर, बी ए फ्राइड, सी ए थॉर्नडाइक, डी ए खासो। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि अचेतना के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, यह क्वेश्चन में पूछा गया। तो अचेतना के अचेतना सिद्धांत के प्रतिपादक है जो कि फ्राइड ने, तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारे, फ्राइड अचेतना सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापकों द्वारा बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए, ए है राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, बी है राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, सी है राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए, डी है विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित कराना चाहिए। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा कि अध्यापकों द्वारा बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु या के लिए क्या करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं अभी कि अध्यापकों द्वारा बालकों में राष्ट्रीय विकास या राष्ट्रीयता के विकास करने के लिए यहाँ पे विद्यालयों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजन करना चाहिए और उनसे बच्चों को प्रेरित करना करने की अग्रसर होंगे या उन्हें संसाधन प्राप्त होंगे। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा डी, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा कक्ष के क्रियाकलापों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है, ए है शिक्षक को केवल तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों से ही प्रश्न पूछने चाहिए, बी है शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछना अधिगम को खंडित करता है, सी है शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान लगातार बोलना चाहिए व बीच में तनिक भी विराम नहीं देना चाहिए, डी ए उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा कक्ष के क्रियाकलापों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे कथन असत्य पूछा गया है, तो असत्य कथन को यहाँ पे छांटना है, वही हमारा आंसर होगा। तीन और कथन होंगे जो कि ऑप्शन पॉजिटिव होंगे वो हमारे आंसर नहीं होंगे, जो कि नेगेटिव होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे असत्य कथन के माध्यम से, यहाँ पर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि शिक्षक को केवल तीव्र बुद्धि वाले बालकों को ही प्रश्न पूछने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्लास में सारे बच्चे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए पूरी क्लास के अकॉर्डिंग। बी के अकॉर्डिंग कराया कि शिक्षक द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछना अधिगम को खंडित करता है, ऐसा नहीं है कि अगर बीच बीच में खंडित करें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चे पूछेंगे नहीं उसमें तो सीखने व्याख्यान विधि में या जो विधि चल रही है उसके अकॉर्डिंग उसमें बच्चे इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे और पता ही नहीं चल पाएगा बच्चा कितना सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे। तो बीच बीच में क्वेश्चन भी होने चाहिए, शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान लगातार बोलना चाहिए और बीच में विराम नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बीच में विराम ना लें। तो ये तीनों ही कथन है जो कि नेगेटिविटी की तरफ दर्शा रहे हैं, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में श्यामपट्ट का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ए लेख स्पष्ट हो व सरलता से पढ़ा जा सके, बी ए श्यामपट्ट कार्य अस्वच्छ व विवृत हो, सी ए श्यामपट्ट कार्य उपयुक्त एवं पाठ से संबंधित हो तथा पाठ विकास में सहायक हो, डी ए उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में श्यामपट्ट का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए या किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं लेख स्पष्ट हो व सरलता से पढ़ा जा सके, श्यामपट्ट कार्य स्वच्छ व विधिवत हो मतलब लगातार हो कंटिन्यूटी में हो, और श्यामपट्ट कार्य उपयुक्त व पाठ से संबंधित हो तथा पाठ विकास में सहायक हो, तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए उपयुक्त सभी, क्योंकि कक्षा में इस कक्षा कक्ष में इस प्रकार की प्रक्रियाओं का या श्यामपट्ट का उपयोग करते समय इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की है, ए एक प्रक्रिया के रूप में, बी ए एक उत्पादक के रूप में, सी ए निर्णय ले सकने की योग्यता में, डी ए उपरोक्त तीनों के संदर्भ में।
तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा कि गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की है, किस प्रकार से की है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, गिलफोर्ड ने एक प्रक्रिया के रूप में, एक उत्पादक के रूप में और निर्णय ले सकने की योग्यता के रूप में बुद्धि की व्याख्या की गई है। तो आंसर हमारा इसका अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के संदर्भ में। तो आंसर होगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अभिवृत्ति अभिवृत्ति संप्रत्य है, ए संज्ञान परक, बी ए क्रिया परक, सी ए संवेगात्मक, डी ए ये सभी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभिवृत्ति संप्रत्य है किससे, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। जैसे कि बात करते हैं, संज्ञान परक क्रिया परक संवेगात्मक अभिवृत्ति संप्रत्य है, तो आंसर करेक्ट होगा इसका हमारा ये सभी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि ए सीखने की क्षमता है, बी ए अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सी ए या तो ए या बी, डी ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि किस प्रकार की है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, बुद्धि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतनों की योग्यता है, तो आंसर होगा इसका हमारा ए और बी दोनों। तो आंसर हो जाएगा यहां पर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेवलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक पर प्रयोग करके किया था, ए खरगोश, बी ए चूहे, सी ए कुत्ते, डी ए बिल्ली। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेवलोव ने सीखने के अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक किसके प्रयोग पर करके किया था, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि पेवलोव ने सीखने के सिद्धांत अनुबंध प्रक्रिया को जो सिद्धांत दिया था वो कुत्ते पर प्रयोग करके किया था, तो आंसर करेक्ट होगा यहां पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है, ए डेसीमीटर, बी ए डेसीबल, सी ए डेसीपाइन, डी ए डेसी बिंदु। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग है जो कि सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करती है, डेसी वाला है जो कि ऐसी इकाई है वो सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है, तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा डी। तो दोस्तों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, वीडियो को जैसा शेयर करें, जैसा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।